एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जब गायिका अनुराधा पौडवाल ने यह गीत गुनगुनाया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को रोक नहीं पाए। सिंधिया को देख मंच पर बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा समेत मंत्री भी तालियां बजाने लगे। मौका था गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का। ग्वालियर में रविवार पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान महाराज बाड़ा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फेमस सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां व उनके बेटे अमान अली व अयान अली ने भी प्रस्तुति दी। इससे पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल व उनके साथ आए सारे गामा फेम कलाकारों के साथ प्रस्तुति दी। जब अनुराधा पौडवाल ने एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है गाया तो मंच पर बैठे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद को रोक नहीं पाए। तीनों ही मंच पर संगीत की धुन पर झूमने लगे। शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। गीत शुरू होते ही वे कुर्सी से खड़े होकर हाथ ऊपर कर थिरकने लगे। यह देख एक के बाद एक मंच पर मौजूद सभी मंत्री खड़े होकर थिरकने लगे। इसके बाद विश्व विख्यात सरोद वादक अमजद अली खां ने बेटे अमान और अयान के साथ सरोद की तान पर उंगलियां चलाना शुरू किया तो सर्द रात में बैठे श्रोता कुर्सी से खड़े होकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। कवि सम्मेलन में डॉक्टर हरिओम पवार मेरठ, विनीत चौहान अलवर, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल दिल्ली, पूनम वर्मा मथुरा, दिनेश रघुवंशी फरीदाबाद, अंजुम रहबर भोपाल, दिनेश मिश्रा मुंबई, शशिकांत यादव देवास, मदन मोहन दानिश ग्वालियर व तेज नारायण बेचैन ने काव्य पाठ से सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कवि हरिओम पवार को अटल सम्मान से अलंकृत किया। उनको सॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी कलाकारों का भी सम्मान किया गया। साथ ही पांच विभिन्न विधाओं में ग्वालियर गौरव सम्मान प्रदान किए गए।